आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करणी सेना का आज 5वां स्थापना दिवस है और हम पटना के बुद्धा मूर्ति के पास खड़े हैं और करणी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता कह लीजिए या जो उसके करणी सेना में जो लोग हैं उन्होंने कंबल और तमाम ऐसी चीज़ें बांटने का कार्यक्रम किया है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए लाइन लगी हुई है, लास्ट हाँ ये लाइन लगी हुई है, तमाम लोग हैं यहाँ पर और करणी सेना की महिला प्रदेश की अध्यक्ष हैं अंजनी सिंह, जरा इन्हीं से जानते हैं क्या कार्यक्रम है। आज 5वां स्थापना दिवस है करणी सेना का और हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और ये गरीब लोग को भी कम्बल और चप्पल वगैरह बांटे जा रहे हैं। जो हम लोग सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ 5वां स्थापना दिवस पे तो मैंने जन्मदिन के दिन तो केक कटने जाने वो भी कटेंगे, पहले गरीब लोग को दे दूँ उसके बाद केक भी काटूंगी। हमारे साथ सागर सिंह है, प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। करणी सेना बस जन्मदिन मनाने के लिए ही या कुछ आगे की भी सोच है? देखिए करणी सेना और खास करके बिहार में हम लोग आज 5वां स्थापना दिवस जो है इस ढंग से मनाने का काम कर रहे हैं जो कि समाज में एक संदेश जाए। होता क्या है, संगठन के नाम पे, संगठन के तौर पे संगठन के लोग क्या करते हैं, किसी बड़े होटल में बड़े बड़े चेहरे को बुलाते हैं और उनके द्वारा स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन हम उससे सीधा जो समाजवादी सोच है हमारा, जो हिंदुत्ववादी सोच है, उसके तहत जो हमारी भारत की जो नीड है और हमारी जो संस्कृति है उसके तहत हम लोग करणी सेना ये गरीबों के बीच में आके अपना स्थापना दिवस मना रही है और इससे हम लोग संपूर्ण देश में और बिहार में ये संदेश देने का प्रयास करेंगे आज 5वां स्थापना दिवस पे कि अगर आप सही में समाज के रक्षक हैं, अगर आप सही में समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो समाज के जो जीरो लेवल के जो लोग हैं जिनको सही में संगठन की जरूरत है, जिनको सही में मदद की। सागर जी अभी आपने कहा समाजवाद और हिंदुवाद की बात उठाई, समाजवाद और हिंदुवाद में बड़ा अंतर है। समाजवाद का फार्मूला वो है कि अंतिम पायदान तक शिक्षा से लेकर सुविधाएं पहुंचे, तो कंबल बांटने के से ज़्यादा अच्छा होता यदि आप आज करणी सेना के 5वें स्थापना दिवस पर दो चार गरीब बच्चों को ऐसा गोद ले लेते जिनको पढ़ाते आप। देखिए धीरे धीरे जो है धीरे धीरे उत्थान होता है, एक ही साथ अगर आप सब कार्यों पे काम करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। ये हम लोगों का शुरुआत है, हम लोग गरीबों के बीच आए हैं और अगर आप गरीबों के बीच आइएगा तो अभी का जो नीड है कि उसको तुरंत में सुविधा मिलनी चाहिए, तो तुरंत में जो मुहैया करवाने की चीज़ है वो हम लोग लेके आए हैं और आगे हमारी संगठन इस पर भी विचार करेगी। और आपको बता दें कि इस तरीके की बहुत सारा कार्य है, जैसे ब्लड डोनेशन का कार्य हमारा चलता है, महिला सशक्तिकरण का कार्य चलता है, एजुकेशन से जुड़े हुए अभी तक किसी भी तरीके का अगर ऐसा 15 से 20 छात्र हैं जो अगर अपनी समस्या लेके आए हैं तो हमारा संगठन उनके एजुकेशन फील्ड में भी उनको मदद किया है। 2024 के चुनाव में सुना करणी सेना उतर रही है मैदान में। देखिए चुनावी प्रक्रिया है और ख़ास करके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक पर्व है, इसको हम लोग खूबसूरती से मनाएं। और अपनी सेना खड़ा कर रही है उम्मीदवार की नहीं, ये सवाल अभी एक्चुअल में अगर उस तरीके से हमारा पैनल बन पाएगा, वैसी स्थिति बन पाएगी तो हम ज़रूर भाग लेंगे। हम भी निश्चित तौर पे चुनाव में उतरेंगे यदि हमारा पैनल या फिर कह लीजिए कि उस तरीके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता है तो करणी सेना भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तमाम दृश्य देखिए लाइन बढ़ते जा रही है। ये और देखा जाए कि करणी सेना यदि मैदान में उतरती है राजनीति के मैदान में तो किस पार्टी का जो है वो वोट बैंक पे कब्जा करेगी, किस पार्टी के वोट बैंक पे सेंध लगाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना। हटो हटो हटो।
ग्रेक, ग्रेक, ग्रेक।